हे माई लवलीस वेलकम बैक टू माई चैनल सो गईस कैसे हो आप सब लोग आई होप के सभी लोग अच्छे हो मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ गाइस बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे कि आप कौन से रेजर यूज करते हो या फिर रेजर यूज करने के बाद आ, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है क्या सो so गईस आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगी कि रेजर यूज़ करना अच्छा है या फिर गलत है सब कुछ मैं डिटेल्स में शेयर करूँगी सो so चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ सो गईस सबसे पहले आप लोग देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर कितना हेयर ग्रोथ हो गया है कितना ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गया है और सबसे ज़्यादा अपर लिप्स पे हुआ है और आईब्रो पे भी हुआ है तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि, कि किस तरीके से मैं रिजर को यूज करती हूँ सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर को अप्लाई करती हूँ पहले मैं टोनर सजेस्ट करूँगी टोनर अप्लाई करने के बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ एंड मॉइस्चराइजर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं ब्लेंड नहीं करती हूँ थोड़ा सा रहने देती हूँ फिर मैं रेजर को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ मतलब आप, आप सिंपल वाटर से भी क्लीन कर सकते हो या फिर टोनर के मदद से भी क्लीन कर सकते हो सो so, मैं यहाँ पे टोनर के मदद से क्लीन कर लूंगी मेरे पास वाटर नहीं था तो आप लोग वाटर से भी कर सकते हो ओके okay. जिस डायरेक्शन पे हेयर ग्रोथ हुआ है उसी डायरेक्शन पे मैं रेजर को अप्प्लाई करूंगी okay, चलो सबसे पहले मैं अपर लिप्स के ऊपर जो हेयर ग्रोथ हुआ है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी और बहुत ही हल्की हाथों से करना होगा जिस जिस डायरेक्शन पे हेयर ग्रोथ हुआ है उसी डायरेक्शन पे अप्लाई करना होगा जल्दी जल्दी मत करो नहीं तो कट कट uh, लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हल्की हाथों से करना होगा आप लोग देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ ओके सो मैंने टीसु पेपर ले लिया था और uh, उसके मदद मतलब से मैंने पूरे जो uh, रिजर के पास uh, जो भी हेयर आ गया था उसको मैंने क्लीन कर लिया है अभी मैं आई थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कर लूँगी क्योंकि आईब्रो मैं ज़्यादातर घर पे ही करती हूँ तो बाहर बाहर मतलब ज़्यादातर मैं नहीं जाती हूँ तो इस तरीके से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है आप लोग देख सकते हो और आज मैं फेसियल का जो हेयर है वो मैं रिमूव नहीं करूँगी क्योंकि फेसियल का हेयर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है तो रहने देते हैं किसी और वीडियो पे आप लोग कमेंट करोगे तो मैं किसी और वीडियो पे आप लोगों को शेयर कर दूंगी सो so, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्लीन भी कर लिया है रेजर को एंड रेजर को क्लीन करने के बाद मैंने उसका जो ढक्कन है वो भी आ, लगा दिया है फिर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी एंड आप लोग चाहे तो टोनर भी अप्लाई कर सकते हो मॉइस्चराइज़र के पहले तो मैंने आज नहीं किया मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लिया है ओके ये था मेरा जो मतलब अपर लिप्स का हेयर है और आईब्रो का हेयर है वो मैं किस तरीके से रिमूव करती हूँ ये था प्रोसेस आप लोगों को कैसा लगा है हेल्पफुल हुआ है कि नहीं प्लीज कमेंट में ज़रूर बता देना एंड गाइस लास्ट में मैं थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कर लूँगी क्योंकि लिप थोड़ा सा ड्राई हो गया था तो ये पिलग्रिम का लिप बाम है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस एंड इसका खुशबू तो वाओ मतलब कुछ मैं बताऊंगी नहीं आप लोग खरीद के देख सकते हो ओके गाइस ये था आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना ओके गाइस बाय